नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे एलर्जी अस्थमा सेंटर की ओर से। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, खुशहाल हैं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गले में जमने वाला कफ। बहुत सारा कफ पैदा होता है, बहुत सारा नज़ला पैदा होता है, इसके लिए बड़ा परेशानी होता है। आज इसके विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो लोग नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करने के लिए। सब्सक्राइब में ऑल बटन अगर दबाएंगे सबसे पहले वीडियो आपको ही मिलेगा, और जो पुराने दर्शक लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर अभी तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है। बहुत सारे लोगों को गले में खिचखिचाहट होता है, होते रहता है, बराबर मौसम के बदलाव में ज़्यादा मात्रा में होता है, और कफ सृष्टि होता है, श्लेष्मा पैदा होता है, बहुत सारा कफ आता है, और वो कफ आने के वजह से बड़ा परेशानी होता है। अचानक अचानक कफ उठता है, और इस हिसाब से ये तकलीफ देह स्थिति है। आप एक काम कर रहे हैं उसमें भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये बेड रिडन करने वाला चीज़ नहीं है लेकिन लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर देता है। इसका जनरली हम लोग ट्रीटमेंट जब करते हैं डॉक्टर लोग इसको एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन, थोड़ा नेजल स्प्रे, थोड़ा इनहेलर्स, ये सब यूज़ करते हैं, इससे आराम मिलता है। आराम एंटीबायोटिक्स भी कई समय यूज़ करते हैं। आराम मिलने के बाद फिर जब दवाइयों का कोर्स ख़त्म होता है तो फिर से वैसे ही परेशानी शुरू होता है। और आप देखेंगे कि ब्रॉडली इसमें एंटी एलर्जिक्स का रोल सबसे ज़्यादा है। एंटी एलर्जिक्स यूज़ करते हैं लोग बाग, और एंटी एलर्जिक्स यूज़ करने में ही आराम मिलता है। और जब भी इस तरह का एंटी एलर्जिक्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो अंधेरे में हम लोग एंटी एलर्जिक्स यूज़ कर रहे हैं, आपको रिलीफ मिल रहा है, तो इसका खोज के निकालना ज़रूरी है किन किन चीज़ों से एलर्जीज हो रहा है। वो मॉडिफाइड स्किन प्रिक टेस्ट, चमड़े में एलर्जी टेस्ट करके अपने पहचान करते हैं किन किन चीज़ों से कितने परिमाण में एलर्जी हो रहा है। वो जब भी चिन्हित हो जाता है तो उसके बेसिस में हम लोग इम्यूनोथेरेपी वैक्सीन बनाते हैं। वैक्सीन सुन के हम लोग सोचते हैं इंजेक्शन बहुत सारे लगे, ऐसी बात नहीं है। वैक्सीन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो ओरल इम्यूनोथेरेपी होता है, ओरल वैक्सीन होता है, जीभ के नीचे खाने वाला कोर्स, 1 साल का कोर्स 8,000 रुपये में बनता है, वो बना के आपको दे दिया जाता है। आप अपने घर के कम्फर्ट में ओरली ये वैक्सीन ले सकते हैं, जिससे हम लोग परमानेंट सोल्यूशन जिन चीज़ों से एलर्जी हो रहा है उसके खिलाफ बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हम लोग कर सकते हैं। एलर्जन टेस्टिंग के लिए 2,500 रुपये चार्जेस होते हैं, और आप ये परिसेवा हमें कलकत्ता में सियालदा स्टेशन के पास वॉकेबल डिस्टेंस है, मौलाली मज़ार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच में अवस्थित हूँ। आप 7278034776 इस नंबर में कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता है।